नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लैप। और दोस्तों, आज हम रिव्यू और एक्सप्लेन करेंगे सोनी लीव पर रिलीज हुई वेब सीरीज विसल ब्लोअर का। तो दोस्तों, कैसी है विसल ब्लोअर वेब सीरीज और व्यापम स्कैम जैसे बड़े स्कैम के आसपास लिखी गई इस वेब सीरीज की कहानी में क्या कुछ देखने के लिए मिलता है आपको, बात करेंगे दोस्तों इस वेब सीरीज रिव्यू में। काफी डिटेल्ड रिव्यू होने वाला है दोस्तों, ये बने रहिए आप इस रिव्यू के साथ। दोस्तों, इस वेब सीरीज की कहानी के बारे में जानने से पहले आइए थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि क्या था व्यापम स्कैम और क्या थे इस स्कैम से जुड़े कुछ बड़े और मेजर इवेंट्स। दोस्तों, बेसिकली व्यापम स्कैम के तार मध्य प्रदेश के एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से जुड़ते हैं। और दोस्तों, एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नाम से भी जाना जाता है, 1970 में प्री मेडिकल एग्जाम के लिए इसका सेटअप किया गया था। और बाद में दोस्तों, मेडिकल एग्जाम के साथ साथ इसमें पुलिस रिक्रूटमेंट टेस्ट, पीजी एंट्रेंस टेस्ट, फॉरेस्ट गार्ड, बीए एलएलबी एंट्रेंस टेस्ट जैसे और भी 15 टेस्ट को इसमें जोड़ा गया था। और दोस्तों, 2009 में एक मेडिकल एग्जाम पेपर लीक हो जाने के बाद व्यापम स्कैम में पहली कंप्लेंट फाइल की गई थी, जिसके बाद दोस्तों धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ था कि इस स्कैम में कितने बड़े लेवल पर रिक्रूटमेंट को लेकर धांधली चल रही थी। जिसके बाद दोस्तों, सीधे तौर पर इस मामले में एमपी गवर्नमेंट और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान इन्वॉल्व होते हैं और एक जांच पैनल बनाते हैं। और दोस्तों, बस यहीं से शुरू होते हैं व्यापम स्कैम को लेकर कुछ ऐसे सवाल और बवाल जो इस स्कैम को देश का सबसे बड़ा एजुकेशनल स्कैम बना देते हैं। और दोस्तों, जहां से पता चलता है कि इस स्कैम के तार कैसे स्टूडेंट से शुरू होकर टीचर्स, ब्रोकर्स, पुलिस और पॉलिटिशियन तक पहुंचते थे। इसी के साथ दोस्तों, इस हंगामे के दौरान इस मामले में लगभग 45 से ज्यादा मौतें रिपोर्ट की जाती हैं, जिसके साथ साथ दोस्तों पॉलिटिक्स में पावर वाली पोजीशन से लेकर ऑपोजिशन और मीडिया की भी फिर धीरे धीरे इस मामले में एंट्री होती चली जाती है। दोस्तों, जब ये सब कुछ हो रहा था, तब इस दौरान इस मामले में सबसे बड़े विसल ब्लोअर बनकर कुछ नाम उस वक्त काफी चर्चाओं में भी आते हैं, जिनमें से एक थे आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी, जिन्होंने 5 एफआईआर दर्ज कराई थी। दूसरे थे प्रशांत पांडे, जो साइबर एक्सपर्ट थे और एसटीएफ का हिस्सा भी रहे थे। और दोस्तों, इस स्कैम को लेकर प्रशांत पांडे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होने का दावा भी करते रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, दो और नाम भी इस मामले में सामने आए थे, जिनमें से एक थे पारस सकलेचा, जिन्होंने एमएलए रहते हुए फर्जी मेडिकल एडमिशन को लेकर इस मुद्दे को सबके सामने रखा था। और दूसरे थे दोस्तों, डॉक्टर और सोशल वर्कर आनंद राय, जिन्होंने पीएमटी में फर्जी स्टूडेंट्स के बैठने की कंप्लेंट की थी। तो दोस्तों, ये थे ओवरऑल रियल व्यापम स्कैम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इससे जुड़े कुछ रियल लाइफ विसल ब्लोअर्स। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इस वेब सीरीज की कहानी क्या है और इस वेब सीरीज की कहानी में आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, बेसिकली ये कहानी है डॉक्टर संकेत भदौरिया नाम के एक ऐसे एमबीबीएस स्टूडेंट की, जिसके फादर डॉक्टर अश्विन भदौरिया, जो कि रिलायबल हॉस्पिटल के ऑनर भी हैं, उनकी एक दिन अचानक कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और न्यूज आती है कि डॉक्टर अश्विन भदौरिया ने सुसाइड कर लिया है। और दोस्तों, यहां से डॉक्टर अश्विन की मौत का राज एक मिस्ट्री बन जाता है। और दोस्तों, डॉक्टर संकेत अपने फादर की इस डेथ केस की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए जब निकलते हैं, तब इसी के साथ दोस्तों इस वेब सीरीज की कहानी आगे बढ़ती है और हमें डॉक्टर संकेत की लाइफ की बैक स्टोरी देखने के लिए मिलती है। और दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी में हमें एक लव ट्रायंगल भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें दोस्तों हमें देखने के लिए मिलता है कि जहां एक तरफ डॉक्टर संकेत डॉक्टर प्रज्ञा अग्निहोत्री से प्यार करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर प्रज्ञा की बहन प्राची अग्निहोत्री डॉक्टर संकेत को पसंद करती हैं। इसी के साथ दोस्तों, यहां से हमें इस वेब सीरीज की कहानी में देखने के लिए मिलता है कि डॉक्टर संकेत प्राची के लिए फर्जी तरीके से परीक्षा की मैच फिक्सिंग भी करता है, जिसके दौरान दोस्तों डॉक्टर संकेत की मुलाकात डॉक्टर जयरा जाटव से होती है, जो स्टूडेंट से पैसे लेकर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कराने और सरकारी नौकरी दिलाने का एक रैकेट भी चलाता है। और दोस्तों, इसी दौरान कुछ समय के लिए डॉक्टर संकेत और जयराज जाटव इस रैकेट के बिजनेस पार्टनर भी बन जाते हैं। अब दोस्तों, इतना बड़ा रैकेट चल रहा है तो इसके लिए फील्डिंग की भी जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों, यहां से हमें देखने के लिए मिलते हैं इस कहानी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिसमें दोस्तों हमें देखने के लिए मिलता है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर रूपेश सिंह, जो कि जयराज जाटव के लिए भी काम करता है, वो एक दिन एक पूछताछ के दौरान डॉक्टर संकेत के एक दोस्त को पुलिस कस्टडी में मार देता है। और दोस्तों, यहीं से एंट्री होती है इस कहानी में जर्नलिस्ट अनूप सिंह की, जो डॉक्टर संकेत के दोस्त की मौत की इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों शुरू होता है इस वेब सीरीज की कहानी में ड्रामा।
तो दोस्तों इसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम घटता है इस वेब सीरीज की कहानी में और कैसे डॉक्टर संकेत, डॉक्टर प्रज्ञा, जर्नलिस्ट अनूप सिंह और साइबर एक्सपर्ट चेतन इस स्कैम को एक्सपोज करते हैं, ये सब जानने के लिए देखनी होगी दोस्तों आपको ये वेब सीरीज। लेकिन दोस्तों इस वेब सीरीज को देखने से पहले और इस कहानी को जानने के बाद आइए अब बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज के डायरेक्शन और राइटिंग की। दोस्तों डायरेक्शन और राइटिंग की अगर बात की जाए तो अगर इस वेब सीरीज के मेकर्स का दावा पीएमटी स्कैम 2013 यानी व्यापम स्कैम को लेकर इस कहानी का ताना बाना बुनने से है, तो यहां दोस्तों इस वेब सीरीज की स्टोरी और रियल लाइफ वर्सेस फिक्शनल कैरेक्टर्स को जिस तरह से लिखा और इस सीरीज की कहानी में रखा गया है, तो दोस्तों इस मामले में ये वेब सीरीज सीधे शब्दों में सिर्फ एक धोखा साबित होती है। और दोस्तों बात सिर्फ कहानी की ही नहीं बल्कि स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर डेवलपमेंट के मामले में भी ये सीरीज एवरेज ही दिखाई देती है, जिसकी वजह से दोस्तों कहानी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब दिमागी तौर पर जानना और समझना दिमाग को थका देता है। दोस्तों डायरेक्शन और राइटिंग के अलावा अगर एक्टिंग की बात की जाए तो एक्टिंग के मामले में भी ये वेब सीरीज एवरेज ही नजर आती है, जिसमें दोस्तों जान फूंकने का काम रवि किशन, आशीष वर्मा, हेमंत खैर और जाकिर हुसैन जैसे कलाकारों का काम बखूबी करता है। और दोस्तों स्पेशली यहां तारीफ करनी होगी रवि किशन की, जो अपने कैरेक्टर जयराज जाटव के साथ पूरी सीरीज में छाए रहते हैं, और दोस्तों हेमंत खैर जिनको मिलने वाला कम स्क्रीन प्रेजेंस में भी हेमंत खैर अपने कैरेक्टर सुनील वर्मा को पूरे कन्विक्शन के साथ प्ले करते हैं। यहां दोस्तों हेमंत खैर का कैरेक्टर शायद और बेहतर तरीके से सामने निकल कर आ सकता था अगर इस वेब सीरीज के डायरेक्टर और राइटर हेमंत खैर के कैरेक्टर सुनील वर्मा को क्लोजअप्स, स्क्रीन टाइम और अच्छे डायलॉग्स देते। तो दोस्तों कुल मिलाजुलाकर कहा जाए तो जितने बड़े स्कैम पर ये वेब सीरीज बेस्ड है उस तरह से ये वेब सीरीज अपने साथ जस्टिस नहीं कर पाती है, क्योंकि दोस्तों काफी कुछ ऐसा था इस सीरीज की कहानी में दिखाने और बताने के लिए जिसे शायद शामिल किया जा सकता था। और दोस्तों यहां मीडिया और मीडिया इंटरव्यू और एंकरिंग के नाम पर भी इस सीरीज में कुछ ही सीन्स के साथ यहां खानापूर्ति कर दी जाती है। पॉलिटिकल लेवल पर सिर्फ एक एजुकेशन मिनिस्टर को दिखाकर यहां दोस्तों बात रफा दफा कर दी जाती है। दोस्तों 40 से ज्यादा डेथ्स व्यापम मामले में रिपोर्ट की गई थी, उन सबको लेकर भी दोस्तों सीरीज के एंड में सिर्फ मोंटाजेस के थ्रू मामले को निपटा दिया जाता है। और दोस्तों आधे से ज्यादा समय में हमें सिर्फ इस वेब सीरीज की कहानी में लव ट्रायंगल्स के अलग अलग एंगल्स ही देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात कि सीरीज के लास्ट 9th एपिसोड में एक टेक्स्ट आता है जिसमें कहा जाता है कि ये सीरीज डेडिकेटेड है विसल ब्लोअर्स को, जो पर्सनल रिस्क लेते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं इस वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों ये टेक्स्ट पढ़ने के बाद फिर सवाल इस सीरीज को लेकर और इस सीरीज को देखने के बाद वही उठता है कि कहां है इस सीरीज की कहानी में वो रियल स्कैम वाले विसल ब्लोअर्स जिनके बेस पर यह पूरा मामला शुरू हुआ था। इसके अलावा दोस्तों इस मामले में रियल लाइफ सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के डीन डॉक्टर डी के साकल्य, जिन्होंने फर्जी तरीके से एडमिशन लेने वाले 90 से ज्यादा स्टूडेंट्स को कॉलेज से बाहर निकालने को लेकर आवाज उठाई थी, जिसके बाद दोस्तों 4 जुलाई 2014 को उनकी जलने से मौत हो गई थी, कम से कम दोस्तों उनको तो क्रेडिट इस सीरीज में देना ही चाहिए था, क्योंकि दोस्तों पूरी तरह से इस सीरीज में डॉक्टर साकल्य को एज अ डॉक्टर अश्विन और डॉक्टर साकल्य के बेटे रंजन को एज अ संकेत अगर कहानी में लिखा जा रहा है तो उनके लिए कुछ तो रेस्पेक्ट बनती ही है ना। बाकी दोस्तों रियल लाइफ आईटीआई एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर्स और स्टूडेंट्स को तो छोड़ ही दीजिए। तो दोस्तों रियल लाइफ इवेंट्स और फिक्शन के नाम पर जो कुछ भी हमारे सामने इस वेब सीरीज को लेकर रखा गया है, मुझे दोस्तों पर्सनली वो पसंद नहीं आया। बाकी आपकी क्या राय है इस वेब सीरीज को लेकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था विसल ब्लोअर्स वेब सीरीज का रिव्यू, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एक और मूवी या वेब सीरीज रिव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।